बता देता हूँ। एंकर का टेक हम क्या करते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर होते हैं। एक तो ये सर मेरी वॉइस आ देखो रही? जी, देखो एक तो ये है कि आपके एक वेबसाइट में एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं, उन पेजेस को आपस में लिंक करवाते हैं, तो वो किसके मदद से होता है, एंकर टैग की मदद से। अगर आपने कोई एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक करवाना है तो वो भी आप किसकी मदद से कराओगे, एंकर की टैग की मदद से कराओगे, ठीक है। अगर आपने अपने ही HTML पेज में नीचे कोई मकसद डिव बनाई हुई है, उसको कोई आईडी असाइन की हुई है, और आप चाहे ऊपर लिंक दे रहे हैं कि अब जब इस लिंक पे क्लिक हो तो नीचे मूव हो जाए, तो वो किसके थ्रू होगा, वो भी एंकर टैग की मदद के थ्रू होगा। और अगर आपने सपोज कोई अपनी वेबसाइट पे PDF रखी हुई है कि भाई जब भी कोई क्लिक करे तो ये PDF डाउनलोड हो जाए, तो वो भी किसकी मदद से होगा, वो भी एंकर के टैग की मदद से होगा, ठीक है। जी सर, ये सारे काम जो है हम किसकी मदद से करवा सकते हैं, एंकर टेक की मदद से, ठीक एंकर है। हाँ जी, एंकर ऐसे यहाँ पर आता है, और इसके अंदर HREF, HREF क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है, जी सर, जिसके अंदर आप क्या करवाते हो, लिंक प्रोवाइड कराते हो, ठीक है। HREF मीन्स हाइपर लिंक रेफरेंस है, ठीक है। जी सर।